So first of all, I would like to welcome, and before that, I would like to thank for inviting me to this event. The topic is, anybody can tell what is the topic of this event? What is the topic? Can you tell? Yes. You tell me the topic of subject. बताओ क्या है टॉपिक, क्या है आज के इस इवेंट का? अरे बताइए, अभी बोल रहे हैं क्या है? खड़े होकर बोलो जरा, आप बताओ क्या टॉपिक है? आप हाथ में पीछे नहीं, तुम ही कर लो, बताओ क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक का ये टॉपिक है? एनवायरमेंट क्या है, क्या सही बोल रही है या गलत बोल रही है? क्या है टॉपिक इसका? ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है, ये मैंने नहीं कहा, इसका टॉपिक है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसका टॉपिक क्या है? ठीक, आप मुंह उठाए और बारात में चले आए, और जिस बारात में पहुंचना था उस बारात में ना पहुंच के दूसरे यहाँ चले गए, दूसरी आपके साथियों से आपके दूसरे यहाँ पहुंच गए। ये हालत है हमारे देश के एजुकेशन की, पढ़ाने वालों की और पढ़ने वालों की। ठीक, ये मैंने एक उदाहरण दिया। और जब मैं यहाँ आया, मैं जब मुझे इन्विटेशन मिला, मैंने ये पन्ना इनका, ये चार पन्ना और भी दिए, मैंने तीन बार पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? तीन बार पढ़ा ये। और देखो ये लाल लाल सब लिख डाला, मुझे क्या बोलना, देखो लिखा नहीं, लिखा है राइटिंग में, देखो लिखा नहीं, लिखा लिखा नहीं, लिखा। इसीलिए मैं आइए सुन। ठीक, और आप लोग पढ़ने के बाद नौकरी नहीं पाते हो, इसीलिए नहीं पाते हो। किस लिए नहीं पाते हो? यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द जॉब। व्हाई आई एम सेइंग सो, उसका ये उदाहरण है। ये एक बार, दूसरी बार जब ये इवेंट पे आपको कहा होगा कि आया होगा कि भाई ये चलना है, तो आप लोगों ने वो छह पेज का इनका जो है, ये कि जो फैकल्टी प्रोग्राम का ये जो छह दिन का प्रोग्राम है, ये इसको किसी ने पढ़ा? आपको शेयर भी नहीं किया इन लोगों ने, तो जैसे आप वैसे आपके गुरु जी दोनों, एक राम एक भदी। कोई बात नहीं, अब और अगली बात सुनिए। आज मैं जब सुबह, क्योंकि मैं जब कहीं जाता हूं तो मैं उसकी तैयारी करके जाता हूं, क्योंकि मैं कहीं जाता हूं तो खाली हाथ जाता हूं, लेकिन मैं खाली हाथ लौटना नहीं चाहता। इम्पटी हैंड को जाता हूं मैं, खाली हाथ में लौटना नहीं चाहता, कुछ देके आना चाहता हूँ, कुछ लेके आना चाहता हूँ। तो मैंने इसको, मैं आज सुबह घूम रहा था मोबाइल पे, मैंने तीन चार बार पढ़ी, इसको पढ़ी, ठीक है, फिर इस नोट बनाए कि क्या टॉपिक क्या है, बातें क्या करनी है, कैसे करनी है। एनीवे, फिर मैंने एक वीडियो भेजा इसको अपने आदमी को कि मैडम को भेज दो कि सबको शेयर कर दे। वो वीडियो शेयर किया था या नहीं किया? आप लोगों ने कोई वीडियो मिला मेरा जो वीडियो शेयर किया? अच्छा ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड वाले नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। अच्छा ठीक है, मतलब ये वो आपके भाग उस ग्रुप में नहीं है, मान लिया। एनीवे, ये मैं स्टडी कर रहा था, मैं ये लेके जा रहा हूँ, क्या समाज जा कहा रहा है, वो क्या रहा है, क्यों नहीं हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। अब चलिए बात आते हैं, तो ये है टॉपिक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम।
हम चाहे फैकल्टी हो चाहे स्टूडेंट हैं, कोई पढ़ना नहीं चाहता। एक बार पढ़ लिए, एक नोट बना लिए, ठीक है, और वही हम पढ़ना चाहते हैं, वही पढ़ाना चाहते हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते। इसीलिए दिक्कत क्या हो रही है, देखिए सच्चाई। अभी मैंने इस बच्ची से जान के पूछा, अगर मैं कोई बात सही कह दूंगा तो आपको बुरा लगता, लेकिन इस बच्ची ने ही उदाहरण क्रिएट कर दिया। क्या है कि आप इस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में आए हैं, या जो फैकल्टी सुन रही है ऑनलाइन या जो ऑफलाइन, वो क्या करना चाहती है, वो हमें क्या देना चाहती है कि स्टूडेंट मस्ट गेट इम्प्लॉयड इन पब्लिक और प्राइवेट। पढ़ने का तो यही चाहोगे ना कि पब्लिक प्राइवेट में कहीं नौकरी मिल जाए, यही तो। दूसरा आप क्या चाहते हो, मस्ट हैव कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डू हिज ओन बिजनेस, मतलब बिजनेस करना चाहेंगे पढ़ने के बाद, ठीक। तीसरा, मस्ट बी एबल टू सस्टेन हिज लाइफ एंड लाइवलीहुड, डू नॉट बिकम वर्कलेस, यही तो है जॉबलेस। यही तीन चार मुद्दे होते हैं फैकल्टी की जिम्मेदारी और आपकी, दोनों की मिलकर जिम्मेदारी है कि जब आप पढ़ाई करके निकलो तो क्या करो, या तो कहीं पब्लिक प्राइवेट में नौकरी मिल जाए, आपके अंदर इतनी क्षमता और कैपेसिटी कैपेबिलिटी हो जाए कि आप अपना कोई धंधा कर सको, और लास्टली ये होता है कि आप जॉबलेस ना रहो, कुछ ना कुछ करो जिससे आपकी लाइफ सस्टेन हो और सस्टेनेबल हो, यही होना है। आज के डेट में आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि जब हम पढ़ के निकलते हैं तो क्या हो रहा है, ये तीनों नहीं हो रहा है, ये तीनों नहीं हो रहा है, ये कड़वा सच्चाई है। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, मैं 2009-10 में अमेरिका एक साथ पढ़ने गया था, ठीक है, पढ़ने गया था। तो मैंने वहां की एजुकेशन, अमेरिका की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो सबसे धांसू इंडस्ट्री है, जो सबसे मजबूत इंडस्ट्री है, वो एजुकेशन इंडस्ट्री है, ठीक है। अभी हमारे पड़ोस के एक आर्मी का बच्चा गया 2 साल पहले और एमएस करके आया, अब अमेरिका में उस बच्चे को नौकरी नहीं मिली, 1.5-2 का मुल्का किया, घर पे रह के बैठा हुआ है। तो जब पूरे ग्लोबल में जिसका नाम है, वो 2 साल वहां 2 करोड़ खर्च करने के बाद वो आया और इस तीनों में से आपको नहीं मिल रहा है, जो भी बात हुई, तो हमारी क्या विरासत है, हमारी क्या औकात है, हम इस तिराहे पर, हम इस चौराहे पर खड़े हैं। बात समझे, समझने कोशिश करिए, नहीं तो पढ़ने के बाद घर जाओगे तो ना पढ़ाई में फिट, और वहां जाओगे कहोगे हम तो पीएचडी है, तो घर में काम नहीं करेंगे, तो ना घर के रहोगे ना, यही करना सच है लोग, ठीक है। अच्छा, आप लोग मेरे बारे में कोई कुछ जानता है, आप लोगों में से कोई मेरे बारे में कुछ जानता है, नहीं जानता। अब आप अपनी कहानी सुनो, अभी तक को गुरु जी के साथ में बात कर रहा था, अभी मैंने आपको अपना विजिटिंग कार्ड दिया कि नहीं दिया, ये मैंने आपको ये कार्ड, ये मॉडल का ये प्रोजेक्ट में चलाता हूँ वो दिया। तो आप लोग कितने महान है, आप लोग डिग्री लेकर के 99% नंबर लेकर के अनएम्प्लॉयड, और जब आप किसी के यहाँ इंटरव्यू देने जाते हो कहते हैं जिसको तो कुछ नहीं आता, यही अनफिट, 99.99% अनफिट, क्यों, यही। अभी जब हमने आपको ये दिया तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए था, हमारे बारे में स्टडी करना चाहिए था। वो स्टडी कहाँ से होती, कैसे होती, वो स्टडी कैसे होती और कहाँ से होती, आप बताइए। हाँ कैसे करते आप, हाँ बताइए कैसे करते, पॉपुलेट से पढ़ लिया, उसमें तो हमारा वो कुछ लिखा नहीं है। इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, बिकॉज आई एम चीफ गेस्ट, आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट योर दिस इवेंट, कैसे करोगे, कोई बता सकता है? यस, आपके पास आज के डेट में किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं, किसी टीचर की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमता है, एक मोबाइल चाहिए, उसमें एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और वो सबके पास है, तो क्या किया, बैठ के गप मार रहे थे। और जितने देर में ये बात हो रहा था, मैं यहाँ जितनी मेरी चीजें हुई मैं नोट बना रहा था, आपने देखा रहा जो जितने मैं कलम से लिख रहा था कि क्या मैं अपने लेक्चर में भूल गया, क्या यहाँ के लिए रिलेवेंट है। अब आप लोग गप मार रहे थे और मोबाइल फोन से फोटो खींच, इसलिए आप कामयाब नहीं होंगे जिंदगी में। क्या करना चाहिए था आपको, तुरंत जैसे वो मिला, इसका मतलब आपके अंदर लर्निंग की आदत नहीं है, रीडिंग राइटिंग की आदत नहीं। आपको तुरंत मोबाइल पे खोल के INA.IS क्या है, आप खोलिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, खोलो देखो क्या है, और बताओ ये, मैं पूछूंगा किसी से आपने क्या देखा,
आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, इट इज फॉर टीचर्स ऑल्सो. कोई एक आदमी बताए हमारे बारे में क्या समझ में आया कुछ कोई बात? अरे सभी लोग सुन लो, मुझसे सोशल मीडिया पे, मैं हर सोशल मीडिया पे हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैंने एक अच्छी चीज आपको क्या बोली, आप अपना एड्रेस तो ये लिखोगे, एक चीज वो बताओगे, और हमने एक चीज क्या नहीं बोली जो मुझे बोलना चाहिए था वो बताओगे, एक मेरी कमी और एक मेरी अच्छाई सोशल मीडिया पर मुझे टैग करके बताओगे, सब जगह मैं हूँ, आपको मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है. हाँ आप बता बेटा क्या नाम है तेरा, बड़ी हो, तुमने क्या देखा मेरे बारे में, क्या समझ में आया तुझे है? क्या अच्छा तेरा नेट भी नहीं चलता है और क्या बताए आप बताइए मैडम आप क्या है? हाँ क्या कुछ बताओ मेरे बारे में, क्या तुम्हें क्या है, व्हाट है, कोई क्वालिटी या कोई काम कुछ बताओ क्या है? अरे ये तो ये काम थोड़ी है, तुम्हारी पोस्टिंग हो तो बता दूंगी. सर आपने पीएचडी रिलेटेड से की है मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट आपको काफी अच्छा आता है, आपने काउ मॉडल डेवलप किया, आपने गो फॉर ग्रीनिटी का एक अभियान चलाया, एनवायरनमेंट से जुड़े हैं, इसमें आपने प्लास्टिक हटाई, आपने खुद से ही प्लास्टिक हटाई है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर यू. तुम बताओ बेटा तुम बताओ, हां कुछ समझ में आया तेरे, क्या बता कुछ जो ना बोली हूं. आप बताइए ये क्या दिख रहा है, देखो ये क्या है, देखिए बैठ जाइए, ये है. अब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं पास हूं तो क्यों हूं, और अगर आप फेल हैं तो क्यों हैं. आपको ना अपने समय का ज्ञान, एक एक मिनट बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, ठीक है. आपको अगर मैं चीफ गेस्ट बन के आया हूं तो मेरे बारे में आपको पढ़ना चाहिए था और कुछ समझना चाहिए था कि मैं चीफ गेस्ट बने क्यों, पहला क्वेश्चन इन्हीं को चीफ गेस्ट क्यों बनाया, इनके अंदर वो कौन सी अच्छाई है, काहे इन्हीं को बुलाया, बहुत सारे ये सब सारे हमें ही क्यों बुलाया. एनीवे मैंने आपको थोड़ा सा जोड़ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब देखता हूँ बच्चे पीएचडी 4000 की नौकरी नहीं पा रहे हैं, बीटेक है कोई मिलने को तैयार नहीं, ठीक. तो हम लोग आते हैं बात, आप मेरी बात को समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मैं अपने जिंदगी के एक मिनट को बर्बाद नहीं होने देना चाहता, मैं चाय पीना सबको जब जोड़ दिया, सबको जिसको हम लोग अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा कहता हूँ, हड़काया सारे गुरु जी ने, आप ये क्यों नहीं किए, तो आप ये क्यों नहीं किए, तो ये क्यों नहीं किया, तो ऐसा क्यों नहीं किया. मैं जानता हूं कि उनकी क्या दायरा है और ये क्या करते हैं गुरु जी, मेरा क्या दायरा है, मैं क्या करता हूं. तो मैं अगर आया हूं तो चाय पीते पीते उसी चाय में मैंने बहुत सारे नॉलेज क्या डाले और पिला दिए, चाय के समय को भी हमने यूज किया. चलिए अब आ रहा है बात, तो अब हम फिर वही टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग बच्चा को जब डिग्री लेके भेजते हैं बाहर तो वो ना एम्प्लॉयमेंट पा रहा है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, इंक्लूडिंग मी, ठीक है. एक बात, दूसरी बात यह है आप यहां से निकलने के बाद अनफिट हो जाते हो, जो कि मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही लोगों ने कहा ना घर के होते हैं ना, क्यों मैं गांव रहने वाला हूं, उसके बाद जब वो डिग्री लेके जाता है तो गांव में घूमता है, तो एमएससी है वो अपना हल भी नहीं चलाएगा, खेत में भी काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करता, तो नौकरी मिली नहीं, काम मिला नहीं, और घर में वो काम करेगा नहीं तो कहीं का नहीं रहा, ठीक है. और तीसरी बात जो है कि चलो ठीक है नौकरी नहीं मिली तो हम कोई अपना धंधा कर ले, हम कोई अपना बिजनेस कर ले, हम कोई अपने चीज को डेवलप कर ले जिससे हमें अर्निंग हो रही है, तीनों नहीं होता है तो फिर आप आए क्यों हैं यहाँ, इसीलिए तो आए हैं, तीनों में से एक तो चाहिए. और इसका ये हम
इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, हम इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हम इतने अच्छे प्रोफेसर हैं कि हम आपको बेकार बना देते हैं उसके पीछे। ये तो हो गई समस्या, अब समाधान क्या है? ये समस्या है कि नहीं है? नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही भाई, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, नहीं मिल रही। आप रोजगार करना चाहो तो आपका रोजगार ही नहीं कर पाओगे, क्यों? आपका ये तो ना इंक्लिनेशन है, ना वो नॉलेज है, ना वो सोच है। आपको नौकरी चाहिए, हमारे यूपी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है, तो नौकरी मिली नहीं, व्यापार करोगे नहीं, आता जाता कुछ नहीं, तो घर बैठ रहे हो, एक बोझ बन जाते हैं। अब एक चीज ये बताइए, इसका समाधान क्या है? इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। एक मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, एक चीज ये बताइए, आप यहाँ आए हो तो आपको आसमान पे जाना है, ऊंचाई छूना है, बहुत अच्छा जिंदगी में करना है, ये काम करने में आप कौन आपकी मदद कर सकता है? आपके माता पिता नंबर वन ऑप्शन ए, नंबर टू ऑप्शन ये गुरु जी लोग, और नंबर थर्ड ऑप्शन आप स्वयं। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। यही लोगों को पता नहीं है क्या? अगर आप लोग ये जान जाओ कि अगर आप फेल हो तो आप स्वयं की वजह से फेल हो, अगर आप पास तो, अगर जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि आगे ऊंचाई पे कहीं ले जाना है वो काम केवल मैं स्वयं कर सकता हूं, तो आप आगे चले जाओगे। अब ये बात रही सॉल्यूशन की, तो करना क्या है? जैसे हम लोग जब डिग्री में यहाँ आते हैं कहाँ इंस्टीट्यूशंस में, तो क्या होता है, हम वन इन वन बन के निकलते हैं। क्या बन के निकलते हैं? वन इन वन। व्हाट डज इट बाय वन इन वन? वन इन वन मीन्स ये है कि आप यहाँ आते हैं, आप तीन साल, आपका एक साल का कोर्स है, चार साल, जब चार साल बाद आप निकलेंगे तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप वन आए थे तो एक सर्टिफिकेट मिल गया, वन इन वन के निकले, और उसका क्या खामियाजा होगा वो वहीं से मैंने शुरू किया है। और मैंने उदाहरण बताए हैं अमेरिका के रिसेंट उदाहरण, और बहुत सारे उदाहरण अमेरिका में भी जॉब की हालत बहुत खराब है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव, मेरे बहुत सारे लोग हैं, बताते रहते हैं फाइलिंग खूब हो रही है, और एमएस कर लो, कुछ भी कर लो, जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसका समाधान क्या है? अब ये वन इन वन वाला फार्मूला इंस्टीट्यूशन का फेल है, ये नहीं चलेगा। तो करना क्या है, अब हमें टू इन वन बनना है। क्या बनना है? टू इन वन। मैं थ्री इन वन हूं। क्या हूं? आई एम थ्री इन वन। तो आप लोगों को, गुरु जी लोगों को, अब वन वन ये जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं आप कुछ आठ साल बाद, वो वन इन वन प्रोडक्ट था। नो, जमाना आ गया माल का, जब जाते हो तो थ्री इन वन पे ज्यादा टूटते हैं, टू इन वन पे टूटते हैं, वन इन वन पे भरोसा ही नहीं है। तो जब माल में बिक्री किसकी हो रही है? थ्री इन वन की, टू इन वन की, वन इन वन के पे लोग नहीं जाता, तो ही हालात का भी है। तो हमें टू इन वन क्या है और कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने कहा था मेरा वो वीडियो शेयर कर दो, ये सब बच्चे में अक्सर मोटिवेट करने के लिए, और यही जरूरत, यही आपका एजुकेशन पॉलिसी भी कह रहा है, मैं उसको अपनी दूसरी भाषा में कहता हूँ। देखिए टू इन वन है क्या, जैसे मैं थ्री इन वन क्या हूँ, अब थ्री इन वन का मतलब ये हुआ, आई यूज टू से आई एम इक्वल टू थ्री आईएएस ऑफिसर, आई हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी इक्वल टू थ्री आईएएस ऑफिसर। तो एक से तो मैं नौकरी करता हूँ, दूसरे से किताब लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, पेपर में लिखता हूँ, पढ़ाई लिखाई समय में खुद स्टूडेंट हूँ। क्या हूँ? आई एम स्टूडेंट ऑफ डिलीट राइट नाउ, आई एम डूइंग डिलीट फ्रॉम रामगन लोहिया जूनियर विश्वविद्यालय। तो उससे मेरा पढ़ाई लिखाई आर्टिकल लिखना किताब लिखना ये करता हूँ दूसरी से, और तीसरे से मैं इस तरह के सोशल वर्क करता हूँ। क्या है ये? मेरा सोशल वर्क है, मॉडल गांव चलाता हूँ, हर सैटरडे संडे को मैं गांव में रहता हूँ, मैं गांधी जी के सपने को और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक स्कीम चलाई थी उसका नाम है पूरा। क्या नाम है? हाँ, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटी टू रूरल एरिया, पढ़िएगा, वही जो रिपब्लिक विलेज महात्मा गांधी का है उसी को उन्होंने किताब लिखी है पूरा, उनका एक सचिव था, पढ़िएगा, ठीक है। तो गांव को कैसे विकसित किया जाए, गांव के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया, ये सब एनवायरमेंट को कैसे ठीक किया जाए, अब लोगों से मिला कैसे जाए, मतलब ये तीसरा करते हैं। आपको ये तो थ्री वन समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? नहीं, आई इक्वलेंट टू थ्री आईएएस ऑफिसर, मीनिंग देयर बाय आई हैव इंक्रीज माय कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी इक्वलेंट टू थ्री आईएएस ऑफिसर। हाउ? By reading, by writing, by learning, by not
killing even a single minute of my life. Okay? तो आपको टू इन वन बनना है. वो कैसे बनना है? ये गुरु जी बनाएंगे, वो आपको बनना है. गुरु जी चाहे बनाना वो अपना बनना चाहे, कैसे बनाएगा? हर आदमी के अंदर कोई ना कोई पैशन होता है. क्या होता है पैशन? सब जानते हो ना, रुचि. हिंदी में उसको कहते हैं रुचि. पैशन गाने का, बजाने का, खेलने का, गाली देने का, लड़ने का, रोने का, नौटंकी करने का, झगड़ा करने का. आज के डेट में कोई चीज बुरी नहीं है. अलजेब्रा में फार्मूला है माइनस गुणे माइनस इक्वल टू. सुने हमने सुने तो निगेटिव गुणे निगेटिव, झगड़ा गुणे झगड़ा इक्वल टू नॉन झगड़ा. है कि नहीं है अलजेब्रा के फार्मूला? तो आज के डेट में पहले जमाने में कहा जाता था कि आईएएस हो जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव पीसीएस हो जाओ, डॉक्टर हो जाओ, इंजीनियर हो जाओ, वकील हो जाओ. वकील नहीं डॉक्टर इंजीनियर तो वो बहुत बढ़िया है. यही तो कहा जाता था पहले. आज के डेट में कोई एक्शन कोई एक्टिविटी बुरा नहीं है और सबकी पहचान है. तो आपके अंदर गाने बजाने, खेलने, झगड़ा करने, गाली देने, लड़ने, झगड़ने, जो भी पैशन है उसको आपको बढ़ाना चाहिए. क्या करना चाहिए? और उस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. किसमें कर लेना चाहिए? यस. यह जिम्मेदारी है इंस्टीट्यूट का कि हर बच्चे के अंदर की उस पैशन को पहचानो और उसको इतने हाई लेवल तक ले जाओ कि वर्ल्ड फेम के हो जाओ. क्या हो जाओ? वर्ल्ड फेम. और वो तुम्हें पैसा देने लगे. क्रिकेट खेलने वाले देखते नहीं हो जब जीतते हैं? वो कोई लंदन से थोड़ी आते हैं. गांव के देख नहीं रहे हो कि वो हरियाणा में गांव की कौन सी लड़कियां कहां कहां कूद रही हैं और क्या क्या कौन नहीं बधाई दे रहा. कौन वो बड़े घर की लड़कियां थी? उनका वो पैशन था खेल, उसको उन्होंने उभारा. आपको कैसे उभारना? कहीं नहीं जाना है आपको अपने उस पैशन को आगे ले जाने के लिए वर्ल्ड क्लास का. गूगल पे जाओ, उसमें उस पैशन को डालो, उस पर वीडियो मिलेगा, लिटरेचर, एवरीथिंग. यू विल गेट वर्ल्ड क्लास नॉलेज एंड विद दैट नॉलेज एंड विद द अप्लाइंग इन योर लाइफ दैट नॉलेज प्रैक्टिसिंग यू कैन गो टू द वर्ल्ड क्लास. चाहे क्रिकेट हो, चाहे गाना हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे बुक राइटिंग, एनीथिंग. तो ये टू इन वन का मतलब यही है कि आज एंट्री ले रहे हो, आज यहीं से अपने आप पढ़ाई करो और फिर उस पैशन पे पढ़ाओ. अब लोग कहते हैं गाली, जो बात कपिल शर्मा आपने उसमें ऐसा एक शब्द बोलेंगे उसके पांच अर्थ निकलते हैं. होता नहीं, उसका खूब हंसते हैं. हंसते नहीं. अगर पहले जमाने में कहें अच्छा गाली दे रहा मार दो एक, है उस गाली से भी लोग हंस रहे हैं और कमा रहे हैं. गाली भी पॉजिटिव हो गया. हो गया नहीं हो गया? मिमिक्री करते हैं, दूसरे का आवाज निकालते हैं गांव के लोग. तो आपको आज से टू इन वन बनना है. क्या बनना है? और अगर आप ये नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे. कब? चार साल बाद जब यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाओगे. ये करुआ सच है दोस्त. दिना भर हम लोगों से नौकरी मांगने आते हैं. तो आप सर्टिफिकेट पांच दिन इसकी और एक दिन अपने पैशन पे लग जाओ. गाना गाना कोई लाज शर्म नहीं, किसी चिंता मत करो. आपको जो अच्छा लग रहा है वो अनैतिक ना हो, इथिकल हो. बस इतनी सी बात है. अल्लाहफुल ना हो, इथिकल. अनैतिक ना हो, इथिकल ना हो, करो. तो आपको टू इन वन बनना है. मेरी बात से आप सहमत है कि नहीं है? कितने लोग सहमत है? जरा हाथ उठाइए. यस. आप ये देखिए, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने एक लाइन पकड़ ली. और अच्छा, इसके लिए कुछ आपको करना नहीं है. आज के डेट में यूट्यूब फ्री में अपना खोलो और उसे भाषण देना, गाना बजाना, नाच रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, गाओ और डालो और देखो धीरे धीरे लोग पसंद करेंगे. अगर अट्रैक्ट करेंगे तो आप हीरो बन जाएंगे. फिर वो पैसा भी देता है. कौन देता? नहीं देता, कमाओ. किसने मना किया? क्यों घर से ले रहे हो बाप से? कमाओ ना भाई, करो ना. कौन मना कर रहे हैं गुरु जी? तो यू विल हैव टू बी टू इन वन. और ये तो बात हुई इसकी. अब हम आपके, अभी तक तो मैं आपसे बात कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था. ये बात गांठ बांध लेना क्या, और यही करो जाके आके. सोना मत कि तुम्हें दो डिग्री लेके जानी है. एक डिग्री जो ये डिग्री यहां से मिलेगा उसमें भी अव्वल करना है, एक्सेल करना है. और दूसरा आपके पैशन को इतनी ऊंचाई पे ले जाना है कि मनु भास्कर बनो, क्या अमिताभ बच्चन बनो, क्रिकेटर में कुछ बनो,
सहवाग बनो, कपिल देव बनो, कुछ भी बनो, नाचो खूब बढ़िया, गाओ खूब बढ़िया, रिसर्च पेपर अच्छा लिखो, किताब लिखो, एवरीथिंग इज इक्वली गुड दोस्त। अब वो जमाने नहीं देखा जस्ट पीसीएस और डॉक्टर और इंजीनियरिंग से हो रहा हुआ। अब हम लोग इन्वायरमेंट पे आते हैं, आप लोग इन्वायरमेंट के स्टूडेंट हैं ना, कम इन्वायरमेंट का स्टूडेंट हाथ उठा। आपकी रुचि है या तुम पढ़ी होगी तभी आई हो इसमें। एक वर्ड है क्लाइमेट, क्या है इसकी हिंदी क्या है? खड़ी हो, इंटर कितना कहां से किया है? अलीगढ़ से। कितने नंबर थे इंटर में? इंटर में कितने नंबर, परसेंट नंबर थे, परसेंट कितने थे? 76%। और क्लाइमेटिक चेंज को जब मौसम कह रही है तो वेदर को क्या कहेंगे? चलो बताओ, व्हाट यू विल से टू वेदर? ये हालात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, और मैं बड़े बड़े फोरम पे जाता हूँ, बातें करता हूँ। देखिए, जलवायु को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज। तो जो क्लाइमेट चेंज इंग्लिश वर्ड है, इसमें दो वर्ड है हिंदी में, जलवायु। क्या है? जल और वायु। तो जल माने तो समझ ही गया, और वायु माने हवा। और जब हम हवा की बात करते हैं तो उसका सिनोनिमस क्या लगाते हैं? ऑक्सीजन, O2। मतलब उसमें बहुत सारे हवा है, बट चूंकि हमें वो जिंदा रखता है तो हमारा प्यार उसी से है। तो हम ये वायु की फैक्ट्री क्या है? ये वायु जो O2 है ये इसकी फैक्ट्री है। हम इसको कहां पैदा करते हैं? पेड़। तो इसका क्या मतलब हुआ? जलवायु का मतलब हुआ जल, और वायु का माने पौधा, पानी और पौधा। ठीक। अब अगर मैं तो मेरे को समझ में आ गया हम लोग क्या हैं और कैसे हैं। 95% लोग, एंड मोर देन दैट, दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे मस्ट नो, व्हाट इज क्लाइमेट नंबर 1, एंड व्हाट इज क्लाइमेट चेंज नंबर 2, एंड व्हाट इज द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। व्हाट इज क्लाइमेट, what is climate change, and what is the devastating effect of the climate change? 95% लोग नहीं जानते हैं, कोई वेदर बताएगा, सब आधी अधूरी जानकारी मांगी, वो खतरे जानने की बात। अब आप बताइए, वो लड़की कह रही है वेदर को, जलवायु को, क्लाइमेट को वेदर, ये क्यों है? और ये कभी नहीं सफल हो सकती, क्यों? इसमें पढ़ने की आदत ही नहीं है भैया। जब जलवायु वनस्पति इन्वायरमेंट में आई हो, जलवायु उसका सबसे प्यारा वर्ड है। इस समय इन्वायरमेंट का सबसे फैशनेबल वर्ड क्लाइमेटिक चेंज, और दूसरा वर्ड है सस्टेनेबल। क्या? ये दोनों हीरो हैं, बहुत फैशनेबल। वही नहीं समझ में आता। तो आपको करना क्या है? अब मैं दूसरी बात पे देखो, हमारे पास अच्छा आप बताइए, आपके पास कितनी मदर है बताइए आप? आप बताओ कितनी मदर है? खड़ी होकर बोलो, खड़ी हो, कितनी मदर है तुम्हारे पास? एक। ठीक है, घबराओ मत। आप बताओ आपके पास कितनी मदर है? एक मदर है। ये जो हमारी, जो आज हमारी स्थिति बिगड़ी है, 45 डिग्री टेम्परेचर, 45 दिन से ज्यादा रहा गर्मी में, मैं आप जबर होके गया था, इसके पीछे कारण क्या है? हमारे पास दो मदर है। कितनी मदर है? दो मदर। लेकिन हम एक मदर को मदर मानते ही नहीं है, एक मदर को हम मदर मानते नहीं। हमारे पास दो मदर है, वन मदर इज बायोलॉजिकल मदर, जो हमें पैदा करती है, 9 महीने अपने पेट में रखकर पालती है, पैदा करती है। और दूसरी मदर वो है जब हम पेट में रहते हैं, या जब हम पेट के बाहर आते हैं, तो हमें वो सर्वाइव और सस्टेन करने के लिए सब कुछ देती है, उसको बोलते हैं मदर अर्थ। क्या बोलते हैं? मेरे पास दो माँ है। कितनी माँ है? दो माँ। एक मेरी माँ
जिसने मुझे पैदा किया, मेरा कपड़ा धुलती है, मेरे को खाना देती है, मेरे को पढ़ाया, मेहनत किया, और दूसरी मेरी माँ है, वो है मदर अर्थ, जो मुझे हवा देती है। मैं जो इस समय ऑक्सीजन दे रहा हूँ वो कौन दे रहा है? मदर अर्थ दे रही है। जो मैं खाना खाता हूँ वो कहाँ पैदा हो रहा है? जमीन पे। वो कौन देता है? मदर अर्थ। और जो मैं पानी पीता हूँ वो कौन देता है? तो जब हम लोगों ने एक माँ को निकाल दिया तो हम सर्वाइव और सस्टेन करेंगे? नहीं करेंगे। मैं इस पर ज्यादा गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूं। जल जंगल जमीन से दूसरी मां बनी है जिसको मदर अर्थ कहते हैं, ठीक है, उसको हम मां नहीं मानते। यही कारण है कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, इतना टेम्परेचर हो रहा है, एंड वी आर वेरी क्लोज टू टिपिंग पॉइंट। कहोगे टिपिंग पॉइंट क्या है? पढ़ो क्लाइमेटिक चेंज में बहुत सारे वर्ड हैं, 40-50, तो उसको पढ़ो। कार्बन फुटप्रिंट, क्लाइमेट चेंज, डिकार्बोनाइजेशन, देयर आर बॉडी, ये सब ऑनलाइन है, पढ़िए, ठीक है। तो आज के बाद से मेरा दूसरा संदेश क्या है? पहला संदेश क्या था आपको? टू ह्यूमन बनना है। दूसरा संदेश क्या है? आज के बाद से आपके पास केवल एक माँ नहीं है। कितनी माँ हो गई? या मैं गलत कह रहा हूं? अगर आप दूसरी माँ को नहीं मानते हो तो नाक और मुंह बंद करो, सांस लेना बंद करो, क्योंकि आपकी वो दूसरी माँ माँ नहीं है। बंद करो आप मुंह को, सांस लेना बंद करो, क्योंकि आप दूसरी माँ को माँ नहीं मानते हो। कौन सा अधिकार है आपको सांस लेने का अगर आप दूसरी माँ को जो दे रही है नहीं मानते हो? है कोई अधिकार? नहीं है। आज के बाद से आप दो माँ को जितनी सेवा एक माँ की करते हो उतनी। तो करना क्या है? करना यह है कि जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं उतना ऑक्सीजन हमें पैदा करते हैं। हम सांस ले रहे हैं ना, किसी लगाए हैं ये गुरु जी यहाँ, हम ले रहे हैं। तो हम चोर हैं। क्या है? चोर। हम चोरी कर रहे हैं। जो हमारी ये दूसरी माँ है जो उसका ऑक्सीजन है हम उसको चोरी कर रहे हैं। हमने पूछा तो है नहीं। तो आप लोगों में से कितने लोग चोर बन के रहना चाहते हैं? हाँ, उठाओ। नहीं, चोर कोई रहना चाहता। तो आप उतना ऑक्सीजन जरूर पैदा करिए जितना हम लेते हैं। उसके लिए क्या करना है? पौधा लगा दीजिए अपने घर में, गमले में, जहां भी, जिसे जितना ऑक्सीजन आप मदर से चोरी कर रहे हो उतना उसका दे दो। तो आप चोर? आई एम आई राइट? या मेरी ये विचारधारा गलत है? सही है ना? जाके पौधा लगाओगे ना, और पौधा नहीं लगाओगे तो आप कभी खुशहाल नहीं रहोगे, चाहे 100 में 100 नंबर ले आओ। जो मदर नेचर के क्लोज नहीं रहता, जो मदर नेचर को लव नहीं करता, ये कांड भी है। दूसरी बात, पानी के पौधे पे बात है। पानी आप जितना पानी पीते हो, जितना पानी यूज करते हो, इन ईयर कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ लीटर, नहाने में, धोने में, इरिगेशन में, ठीक है। तो करना क्या है? अगर आप जितना पानी पीते हो, अगर आप उतना पानी नहीं बचाओगे, उसका व्यवस्था, ये कपड़ा पहन के, ये तुम्हारा ये जो है, ये जो तुम पहन के आई हो, इसका इंतजाम किसने किया? आपने किया, आपके मदर फादर ने किया। तो जो आप पानी यूज करते हो उसका इंतजाम कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा। आप उनमें से बताइए कितने लोग करते हैं और कैसे करते हैं? नहीं करते। तो इसका फार्मूला ये है, ये भी मदर अर्थ का है, कि बरसात में ऊपर वाला हमें फ्री में पानी देता है। अगर हम एक साल में 1000 लीटर पानी यूज करते हैं तो उतना पानी जब फ्री में मिलता है तो हमें स्टोर करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। कहां? अगर खेत है तो खेत बनवा लो, मेड़ उठाओ, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, कैंपस का पानी कैंपस में। आप जहां घर पे रहते हो, क्या वो पानी पूरे छत होता निकल के कहीं बाहर जाता है ना? वो बाहर ना जाने पाए, वही जो छोटा सा गड्ढा खोद दो, पानी उसी गड्ढे में जाएगा, धरती चला गया, बचा लिया। There are many ways how to conserve water without investing any extra money. मैं तो किसान का बेटा हूँ, गांव में पहले मेड़बंदी, खेत का पानी खेत में इकट्ठा होकर धरती में चला गया। तो जितना पानी आप यूज करते हो उतना पानी बचाओ बरसात में फ्री, और जितना आप जो है क्या करते हो, सांस लेते हो, उतना पौधा लगाओ गमला में। तो बहाना बनाएंगे, जमीन नहीं है, ही नहीं हो, नहीं, सब फैशन डिजाइन में फंसे हुए हैं, मोच ऐसे हो और का बाल में 15 तरह का कलर हो जाए, उनको अपनी नौजवानी और काले पे विश्वास नहीं है, सफेद होना चाहते हैं। क्या
हमारी जो ऊर्जा है, हम फैशन डिजाइन दिखावा शोबाजी नौटंकी में ज्यादा उलझ गए हैं, वो ऊर्जा हमने उधर डाइवर्ट कर ली है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में विश्वास कम हो गया है। तो ये बात हो गई क्या, या मैं गलत कह रहा हूँ? ये मेरी बात से हमने दूसरी बात हमने बताई कि आज से एक दूसरी माँ पैदा कर दिया मैंने आपके जिंदगी में, और उस माँ की सेवा करनी है, पौधा लगाओ, पानी बचाओ, और इन सब का दूसरी माँ का सबसे जल जंगल जमीन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो क्या है बताएगा कोई? इंसान है। क्या है? इंसान। क्या? मनुष्य। पोल्यूशन सबसे बड़ा दुश्मन यह है। ये ज्यादा अंग्रेजी और रिसर्च में मत जाओ, सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ठीक है, अगर मैं इससे पानी पीऊं निकाल के, मैं पीता नहीं, आई हेट दिस। मैंने आते ही गुरुजी से नाराजगी व्यक्त की कि आप तो खुद ही एनवायरमेंट वाले नहीं हो, ये लिए दिखा रहे हो। आप मेरे ऑफिस आओगे, आप मेरे ऑफिस आओगे तो सारा कुछ मिट्टी का मिलेगा। किसका मिलेगा? मिट्टी का, सब कुछ मिट्टी, मिट्टी का गिलास, मिट्टी का तस्तरी, मिट्टी का चाय, सब कुछ मिट्टी का। ठीक, तो अगर हम इसका पानी पिए तो आप बताइए, हम पानी पिएंगे नंबर ऑप्शन वन, प्लास्टिक पिएंगे नंबर ऑप्शन, या प्लास्टिक पानी दोनों पिएंगे? यस, प्लास्टिक पानी दोनों पिएंगे। पहले माइक्रो प्लास्टिक इज इन आवर ब्लड, और वो हमें बुढ़ा बनाता है, नौजवानी में बीमारी, कैंसर, बीमारियां बढ़ रही है, और ये जल जंगल जमीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमें प्लास्टिक फ्री लाइफ जीना है। क्या करना है? तो हमारा तीसरा मुद्दा, पानी बचाओ, पेड़ जियाओ। पेड़ लगाते मर जाता है, पेड़ लगाओ नहीं, पेड़ जियाओ। क्या? पेड़ जियाओ और प्लास्टिक भगाओ। एक हमारे मित्र है, मैं कलेक्टर था वाला, तो उन्होंने मुझे प्लास्टिक के धंधे जब से आबाद हो गए, क्या हो गए? प्लास्टिक के धंधे जब से आबाद हो गए, जल जंगल जमीन तीनों बर्बाद हो गए। और जल जंगल जमीन नहीं बर्बाद हुआ, हम बर्बाद हुए। पढ़िएगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, दूसरी मदर का जो नर्सिंग करने का, प्लास्टिक फ्री लाइफ जियो, नक्शेबाजी छोड़ो, ठीक है, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ। तो ये मोटा मोटा अगर आप, और इस पर आपको खूब पढ़ना चाहिए, आपकी तो विषय है भाई, मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये रहा आपका, दूसरी मदर से आपको मैंने परिचय करा दिया। यू हैव गॉट वन मोर मदर। एजुकेशन, हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और गवर्नेंस की क्या है? पढ़ाई करेंगे तो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो पढ़ाई नहीं। जैसे हम लोग आईएएस वगैरह हैं, बस कुछ नहीं, प्रैक्टिकल नहीं जाते हैं देखने। गुरुजी लोग हैं ये फील्ड में नहीं, लैब टू लैंड, लैब वाला लैंड में नहीं, लैंड वाला लैंड में नहीं। आज के डेट में जो भी पढ़ रहे हो, पांच दिन ये पढ़ो, छठवा दिन उसी का प्रयोग करो, जाओ फील्ड में, ये क्लासरूम से निकलो, इसी ऐसी कमरे से निकलो, जा देखो 50 डिग्री टेम्परेचर में वो चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर ये नहीं होगा, इसी को नए एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि वो प्रैक्टिकल करना, ये करना बहुत जरूरी है। क्या? ठीक, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि, और ये चीज और आप लोग करिए, आप प्लास्टिक कुछ भी पढ़ डालो दोस्त, क्या पढ़ डालो? कुछ भी पढ़ डालो, हार्वर्ड का लिटरेचर कहीं का आपके समझ में नहीं आएगा। और एक प्लास्टिक पर जिसने काम किया होगा गांव देहात का प्रैक्टिकल, वो आकर के बताएगा, वो समझ में आ जाएगा। तो आप लोग अपने क्लास में प्रैक्टिशनर को सप्ताह में एक दिन, जो टॉपिक हो, आपके इसी लखनऊ में बहुत सारे लोग होंगे, अनपढ़ होगा, गंवार होगा, उसको बुला करके इनके प्रैक्टिस के रूप में कराओ। उसके बाद ये लोग जाए उसका देखे कैसे वो काम किया है मौके पर, तब ये सॉलिडिफिकेशन होगा, तब इनका ये फैशन प्रोफेशन में बैठ जाएगा। ये हम नहीं करते, नंबर के टके हुए हैं, खूब पढ़ो, खूब रटो, नंबर 99.99 नौकरी नहीं मिलेगी। राम शरण वर्मा है, ये कहीं दौलतपुर ग्राम है बाराबंकी में, कक्षा 8 फेल है, पद्मश्रीयों का राम शरण वर्मा पढ़िए, उनके यहाँ पीएचडी डीलिट वाले आते हैं कि बताओ तुम कैसे पढ़े, एग्रीकल्चर में इतना बड़ा नाम कमा के, कक्षा 8 फेल है राम शरण वर्मा, पूरा देश जानता है, पढ़िएगा राम शरण वर्मा। ठीक,
ये पीएचडी डी लिख आईआईएम लखनऊ के एग्री बिजनेस वाले उसे पढ़ने जाते हैं, बाहर का कोई आदमी आता है तो ले जाते उसका फॉर्म दिखाते हैं, अच्छा फेल, यहाँ पीएचडी वाले बेकार ठन गोपाल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीएचडी, पीएचडी ऑफ क्लास एंड पीएचडी ऑफ प्रैक्टिस फील्ड वाले। तो लैब लैंड पे काम करने की जरूरत है। और ये गुरु जी कहा या ना कहा आप लोग करिए, आपको मना किया किसी ने? पढ़ो प्रैक्टिस, प्लास्टिक पे कौन काम कर रहा है, एनवायरमेंट पे कौन काम कर रहा है, किस पे सब ऑनलाइन है, ढूंढो, बात करो, भैया माँ का आपसे सीखना चाहते हैं बताएगा भी। तो लाइव लैंड को करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात करके मैं अपनी बात को, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज क्योर। हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम हमारा पूरा फोकस देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योर लास्ट वर्ड है और प्रिवेंशन, तो इंपॉर्टेंस क्योर का है या प्रिवेंशन का है? लेकिन हम कितने बड़े होशियार हैं, कितने बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमारा पूरा फोकस किस पर है? क्योर पे। हम बीमार होते हैं, घर बेचते हैं, 10 लाख का इंतजाम करते हैं, प्लेट चिलवाते हैं, रोते हैं और कहेंगे हम तो अपोलो से, वेदांता से दवाई करा खा रहे हैं, हम क्योर पे विश्वास करेंगे। हमें विश्वास किस पर करना चाहिए? हम बीमारी नहीं होंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, निगेटिव बीमारी नहीं होंगे। तो इन्वायरमेंट में भी यही काम करना है। प्लास्टिक में 5-8-6 लोग री यूज, री साइकिल, री नौटंकी, खाली कागज का नौटंकी करें, हम प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे, हम प्लास्टिक का बैग नहीं यूज करेंगे, हम प्लास्टिक की कुर्सी नहीं यूज करेंगे, क्या चीज की जरूरत पड़ेगी भाई? तो हमें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए ज्यादा और क्योर पे कम। अभी हम लोग क्योर पे कर रहे हैं, प्लास्टिक हो गया, बिल लो, हरी कर दो, सेग्रीगेट कर दो, गीला अलग और ये अलग कर दो, ये नहीं चलेगा। प्रिवेंशन पे जाना है, कहाँ जाना है? Am I right? जो गलती हो गई उससे तो क्योर करो और अगला जनरेट होने मत दो, प्लास्टिक गार्बेज चाहे कोई भी गार्बेज। तो हमें आप लोग प्रिवेंशन पे काम करो, कैसे होता है क्या पढ़ो को। और आज के डेट में किसी जरूरत नहीं है फेसबुक पे और जो है गूगल पे डाल दो, आपको आपके इसी शहर में बहुत अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं, ठीक। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो इशू ये है। और बहुत सारे इशूज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज आई हैव वो। हम कलेक्टर के बाधा क्या थे? कलेक्टर तो जानते हो ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर साहब। मैं बांदा में कलेक्टर था, ये जितना हमने इसे बहुत सारे प्रयोग किए, मैं अपने जिंदगी का एक मिनट एक सेकंड भी बर्बाद नहीं। हमने पानी कैसे जनता के सहयोग से 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बजाया, इसमें लिखा है। हमने पेड़ जियाओ, पेड़ लगाओ लगाओ, लगाते लगाते कोई बचते नहीं, तो हमने पेड़ जियाओ अभियान चलाया, इसमें लिखा है। प्लास्टिक मुक्त बांदा, झोला युक्त बांदा। मैं कलेक्टर बांदा था, बांदा एक जिला, जानते हो नहीं जानते? कोई बांदा का है इसमें? ये सारे, इसके अलावा भी स्टूडेंट ने बहुत काम किए। ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे किताब है, 150 हिंदी इंग्लिश एंड गुजराती, ये 160-170 रुपए, काफी पॉपुलर हो गई है, तो खूब बिकी, तो कॉस्ट डाउन हो गया है क्योंकि मैं वो पैसा लेता नहीं इनसे, ठीक है, हमने कहा इसको फ्री कर दे। तो ये इसको पढ़िएगा, ये इंस्पायरेशनल बुक है स्टूडेंट के लिए। क्या समझ में बात की नहीं? इसमें मैंने अपनी कहानी लिखी, कैसे प्राइमरी में पढ़ता था, ताला, एवरीथिंग आई रिट। तो आप इसको पढ़िएगा, ये कहाँ है? फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे। और पढ़ने के बाद मुझे बताइएगा क्या कि आपको इससे क्या सीख मिली। अब लास्ट बात मैं कहूंगा, नोट करो, ये है चाहे वो टीचर है चाहे कोई इस्मान है, उसको ये चीज का पालन करना चाहिए, डू द सेम थिंग डिफरेंटली। यही मेरे जिंदगी का सच्चा कलाम है, डू द सेम थिंग डिफरेंटली। आज जो मैं लेक्चर देके जा रहा हूँ, अगर अभी घंटा बाद बुलाएगा तो मैं वो ये लेक्चर नहीं बोलूंगा, चाहे इसे क्लास हो, माई टॉपिक विल बी डिफरेंट, माई स्टाइल विल बी डिफरेंट, माई कंटेंट विल बी डिफरेंट, माई कम्युनिकेशन विल बी डिफरेंट। डू द सेम थिंग डिफरेंटली, डू द सेम थिंग डिफरेंटली। और आप लोग जानते हो ओनली चेंज इज कॉन्स्टेंट, चेंज इज कॉन्स्टेंट। हमेशा आपको क्रिएटिव काम करना पड़ेगा, बदल के करना पड़ेगा। और हमेशा ये सोचो कि ये जो काम कर रहे हैं इसकी समय कैसे घटाएं,
कास्ट कैसे कर घटाएं, ये जॉब प्रोसेसिंग कैसे करें, डिफरेंट होकर रहेगा हमारे साथ। लेकिन मैं अभी ये जो चुनाव हुआ तो मैं गया था रोपड़, पंजाब में एक रोपड़ जिला है, मैं वहाँ जनरल ऑब्जर्वर होके गया। तो मैं जब वहाँ गया तो मेरा ये क्लाइमेटिक और ग्रीन पे काफी अच्छा काम है, मुझे अच्छा भी लगता है। तो हमने वहाँ ग्रीन इलेक्शन कराया। क्या कराया? ग्रीन। सुना आज तक कभी ग्रीन इलेक्शन का? नहीं सुना ना? गूगल में डालना, देखो ग्रीन इलेक्शन, मेरा नाम डालो, देखो कुछ मिलता है ना आपको। देखो पूरे देश में मेरा ये मॉडल फेमस हो गया, हमने एक मॉडल क्रिएट किया। क्यों? 543 ऑब्जर्वर थे, अकेला मैं हूं जो मैंने ग्रीन इलेक्शन कराया। बिकॉज आई फॉलो डू द सेम थिंग डिफरेंटली। चुनाव आयोग कहता है कंडक्ट इलेक्शन फ्री फेयर एंड इको फ्रेंडली। क्या इको फ्रेंडली? तो जो इको फ्रेंडली है उसी का नाम बदल करके हमने ग्रीन इलेक्शन कर दिया। और इसका मतलब यह है कि जब हम चुनाव करते हैं तो हम कार्बन पैदा करते हैं, गाड़ी दौड़ाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं बूथ पे, ठीक है? उसको कैसे, जितना हमने पैदा किया उतना खत्म कर दे या पैदा होने ना दे, दो उपाय कर ले तो ग्रीन इलेक्शन हो देखा ही। तो इसके लिए आप लोग पढ़िएगा, बहुत सारे वो हैं। अब ये देखिए उसकी ये मेरी बुकलेट है। क्या है ये? मुझे ग्रीन ऑब्जर्वर, 5 जिले थे मेरे, उसमें 4 जिले थे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैंने 4 डीएम को पटाना, केवल 19 दिन में। पहली बार पंजाब गया रोपड़ में शहीद भगत सिंह नगर, और वहां के चारों डीएम ने, देखो ये शहीद भगत सिंह नगर के डीएम ने इतनी बड़ी किताब लिख दी 19 दिन में, इतना काम कराया मैंने, ये रिसर्च पेपर लिखवाया, डीयू से टीम बुलवाया, एमटी रोपड़ गया, वहां पूरा सबको पटाया और ग्रीन इलेक्शन कराया। मिला किसी को ग्रीन इलेक्शन? नहीं मिला है? क्या नहीं मिला? लिखो ग्रीन इलेक्शन, मेरा नाम डाल दो, डॉक्टर हीरा लाल आईएएस। ये आनंदपुर साहब जो गुरुद्वारा है ना, वही वाली लोकसभा वाली थी। आनंदपुर साहब में कोई बड़ा गुरुद्वारा नहीं है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंसी का आनंदपुर साहब पंजाब, ग्रीन इलेक्शन डालिए, पढ़िएगा। आई विल नॉट गो इन टू डिटेल। तो मैं ये बात क्या कहना चाह रहा था कि ग्रीन इलेक्शन हमने कराया, जिंदगी के हर एक्शन और हर एक्टिविटी, अगर हम गा भी रहे हैं, हम सो भी रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, अब हमें अपने जिंदगी के हर एक्शन और एक्टिविटी में ये ध्यान देना पड़ेगा कि कार्बन पैदा ना हो। और अगर कार्बन पैदा हो रहा है तो उसको कैसे घटाएं? अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऐसे गर्मी बढ़ेगी। बारिश, मैं ऑफिस में बैठा था सचिवालय में, वहां बारिश हो रही, पूरा भर गया, और मेरा घर है गोमती नगर में, वहां बारिश ही नहीं हुई। ये हालात है, आधा किलोमीटर में, 200 मीटर में बारिश हो रही है, 100 मीटर में बाढ़ आ रहा है, अगले जगह सूखा पड़ रहा है, आने वाले दिन बहुत बुरे आने वाले हैं, दैट इज ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। और वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम हैं। हमारी ये जो दूसरी मदर है, मदर जिसको हम मानते नहीं है, उसको हमने बहुत सताया, उसको उसके घर से निकाल दिया, पानी कहाँ रहता, कुआं तालाब नदी में, उसको वहां से निकाल के कब्जा कर लिया। मदर को तो निकाला नहीं, कुआं तालाब नदी में रहता है, कब्जा किया नहीं किया, पेड़ हम काट डाले, मदर अर्थ को कत्ल कर दिया, तो मदर अर्थ आपका साथ नहीं दे रही है। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप स्टूडेंट हैं, आप लोग वही जो हर स्टूडेंट में दिखता है, वही मुझे यहां भी देखने को मिला। क्या आपको आगे, केवल आप और आप आगे बढ़ाए। अच्छा मैं यहाँ लेक्चर लेने आया, मैं कुछ भी बोलते चला जाता है, हमसे पूछते थोड़ी, मैं तो आइए सुन ये हमसे कुछ बोल पाते, क्या बोल गए, क्या नहीं बोल गए। आज मैंने जो आपसे बात किया, आप इनको भूल जाएंगे, इनको भूल जाएंगे, हमें नहीं भूल पाएंगे। क्या क्यों? मैं आपकी भलाई देखना चाहता हूं, उसके लिए मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूं, लोग कड़वा नहीं, मीठा मीठा, सब मीठा, और मीठे की दवा काम नहीं करती। तो विद दिस आई वुड विश यू अ गुड सक्सेस इन योर लाइफ। तो पहला पॉइंट टू समा, मैंने पहले कहा कि आपको टू इन, दूसरा मैंने क्या कहा, मदर, दूसरी मदर को अडॉप्ट करना है, तीसरा मैंने कहा डू द सेम थिंग डिफरेंटली, और ये बात कहा जो आपने नहीं समझा, आपको सेकंड जिंदगी का बर्बाद नहीं होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का ही सब गेम है, कुछ ना हो बैठ के पढ़ो। तो मैं आप लोगों से, मेरी जो बात हुई थी, बस ग्रीन स्टूडेंट बनो। क्या बनो?
ग्रीन टीचर बनाए, प्रोफेसर ग्रीन, प्रोफेसर ग्रीन, स्टूडेंट ग्रीन कैंपस। अब हरा का क्या मतलब, हमारे यहाँ हरा कपड़ा थोड़ी पहन। ग्रीन स्टूडेंट का मतलब आपकी लाइफ से प्लास्टिक खत्म कर दीजिए, क्या खत्म कर दीजिए, और जितना पानी पीते हो उतना बचा लीजिए बरसात में, और जितना हवा लेते हो उतना आप ग्रीन स्टूडेंट हो। आप ग्रीन होगी, ग्रीन का मतलब ये नहीं है, ग्रीन मींस कलर नहीं है, ग्रीन मींस यहाँ कलर नहीं है, ग्रीन मींस हैप्पीनेस है, इन्वायरमेंट है, मदर अर्थ है, यही काम सबको करना। और इस कैंपस में अभी मैं आया, गाड़ियों की भरमार पड़ी हुई है, जहाँ देखो वहाँ गाड़ी, क्यों गाड़ियाँ नहीं, क्योंकि साइकिल से आ रहे हो भाई, गाड़ी प्रदूषण क्रिएट करने का सबसे बड़ा है पैदल, काहे नौ टंकी के पड़े हम लोग तो 50-30 किलोमीटर साइकिल से चलते आईएस बन गए, और तुम फोर व्हीलर क्या वो 50 लाख की गाड़ी से भी कुछ नहीं बन पा रहे हो, ना घर के हो ना घाट के हो, जाओ साइकिल पे, ग्रीन स्टूडेंट बनो, ग्रीन कैंपस, ग्रीन एयर। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध किया कि आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे, मैं ट्विटर सब जगह हूँ, हीरालाल आईएस से मेरा सब यही लाइन है, मुझे क्या एक बात अच्छी लगी आप वो मुझे टैग करके बताएंगे, और दूसरा मुझे और क्या सीखना चाहिए या मैंने आपसे बात नहीं की इसमें ये मुझे बताएंगे। आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट फीडबैक विथ यू। तो दोस्तों एक बात और मेरा आप लोगों से अनुरोध है, स्कूल में बच्चों का गिरोह बनता है, कुछ लाइक माइंडेड बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं 4-5, एक सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट करो। क्या प्रोजेक्ट करना है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करो, जैसे मैंने गुरु जी से कहा ये जिस वार्ड में है ये कहने हम इन्वायरमेंट वाले हैं, क्या आप इन्वायरमेंट वाले हैं, क्यों नहीं इस वार्ड को आपने ग्रीन वार्ड बना दिया, क्यों नहीं इस वार्ड से आपने लोगों को समझा बुझा करके प्लास्टिक रहित वार्ड बना दिया, क्यों नहीं हर घर में 10-10 पौधे लगवा दिए समझा बुझा के। मैंने कैसे ग्रीन इलेक्शन करा दिया पंजाब में जाकर के 19 दिन में, 13 मई को गया था, 1 तारीख को चुनाव था, ऐसे थोड़ी करें, ढूंढ लो लिखा है ये राई पीटीआई सब है, हमको इतने बड़े थोड़ी है कि हमारे कहने हमारी तारीख छाप देगा, काम बोलता है, क्या बोलता है, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है ग्रीन स्टूडेंट बनो, ग्रीन टीचर बनो, ग्रीन कैंपस बनाओ। और यह मेरा फार्मूला नहीं है, आप पढ़ोगे ना यूनाइटेड नेशन ने सब कुछ बता दिया है क्या करना, ग्रीन होटल, ग्रीन लिविंग, ग्रीन हाउस, एवरीथिंग ग्रीन। तो क्योंकि आप एनवायरमेंट के हैं, और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो रो रो के घुट घुट के जिंदा रहेंगे, क्योंकि मदर अर्थ का श्राप लगना शुरू हो गया है। पढ़िएगा पढ़िएगा, कितना बोले बहुत कुछ, हम लोग इतना पढ़े हैं, हम इतना ना रोज पढ़ते हैं क्या, ठीक है, अगर मैं कितना पढ़ता हूं, आप लोग जब मेरे सोशल मीडिया पे हम 40 वर्ड रख रहे हैं तो वीडियो बना के डाल रहे हैं, क्लाइमेटिक यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि क्लाइमेटिक डिक्शनरी हो तो उसमें चालू बेकार, तो मैं उसको पढ़ता हूँ, ऑफिस में ये मेरा वीडियो बनाता है, फिर मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता हूँ। उससे क्या फायदा हुआ, दो फायदा हुआ, एक तो मुझे वो बोलने में समझने में मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, दूसरा मेरे वजह से समाज भी कुछ देख लेगा, वीडियो वीडियो पढ़ लेगा, तो दो फायदा। सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आज ही से यूट्यूब पे जहां भी हो, ठीक है, अपने पैशन को उभारना, उसमें इंप्रूव करना शुरू करो। थैंक यू, सॉरी बहुत लास्ट बात हो गई। तो प्लास्टिक भी गांव में घुस, तो ग्रीन का वही पानी बचाओ, पेड़ मेड़ पे लगाओ सब, और प्लास्टिक लगाओ, अगर इतना कर लें तो हम मदर अर्थ को बचा लेंगे। इसको पढ़िएगा, ये साइट में बहुत है, और करिएगा, और मुझे टैग करके जरा फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बाकी रह गया। थैंक यू।